फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आराधना फूड फ्लेवर में। हर दिन एक नई रेसिपी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही यूनिक नाश्ता, जो कि काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरे करारे बनेंगे। इसके आगे आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी कुछ भी खाना पसंद नहीं करेंगे, इतना ये स्पाइसी नाश्ता बना हुआ था। तो आइए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना, लेना है एक थाली, और एक थाली में हम ले लेंगे एक कप मैदा। तो आप कटोरी या बाउल किसी भी चीज़ से आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डाल देंगे आधा चम्मच नमक और दो बड़े चम्मच इसमें हम रिफाइन ऑयल डाल करके इसको अच्छे से हम मसल के इसका डो बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको मसल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और काफ़ी इसे लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई करें। तो हमने ट्राई किया, काफ़ी वाकई में ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और यूनिक बना। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप भी इस तरह से बनाएं, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है इसका। तो हम आटे को इस तरह से मसल के इसका ऐसा क्वालिटी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से करने के बाद आप इसमें क्या करें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका अच्छा सा डो बनाएं। तो पानी एक साथ आप न डालें, पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, जिससे कि आपका नाश्ता जो है काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। तो यहाँ पे डो हमारा तैयार हो चुका है। तो हम इसे मसल करके ढक करके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसे ढक करके छोड़ देना रेस्ट के लिए, जिससे थोड़ा रेस्ट ले ले। तो 10 मिनट के लिए आप छोड़ दें इसे। तो जब तक हमारा आटा, सॉरी, मैदा रेस्ट ले रहा है, तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर गैस ऑन करके हम चढ़ा देंगे कढ़ाही, और कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो डाल देंगे पिंच हींग। तो यहाँ पे 1 पिंच हींग हमने डाला है, और आधा चम्मच हमने पंचफोरन डाला है, और एक बारीक कटा हुआ प्याज हमने डाला था, जो मीडियम साइज का प्याज था। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से चला लेंगे। तो आप इसे चलाते हुए पहले सॉटे कर लें। इसके बाद इसमें हमने ये डाल दिया है 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। तो इसे हमने दरदरा कूट लिया था, इसे भी इसमें हम डाल देंगे, जिससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा। और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, हल्दी पाउडर। इसके बाद ये हमारा जाएगा इसमें आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं, या फिर कम हो तो आप कम भी कर दीजिएगा। तो इसे हम चलाते हुए पका लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, ये हमने ले लिया है आलू। तो ये हमने 4 बड़े आलू को उबाल करके मैश करके ले लिया है। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसके बाद हमारा इसमें जाएगा कटा हुआ बारीक हरा धनिया। और इन सारी चीज़ों को हम चलाते हुए अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे गैस की जो लो है आप धीमा कर दें, और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, हमने इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से चलाते हुए हम गैस को बंद करके इसे नीचे उतार लेते हैं, और इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम चलते हैं मैदे की तरफ। तो यहाँ पे इसे ढके हुए हमारा 10 मिनट तक हो चुका है, अभी इसे हम खोल लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए कितना चिकना और मुलायम हमारा डो तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप फैला के चेक कर सकते हैं। तो आप इसे क्या करें, थोड़ा सा और मसल लें। तो यहाँ पे हमने ये मैदे को मसल लिया है। अब हम इसमें से ले लेंगे थोड़ी सी लोई, जिसको हम अच्छे से हाथों के हेल्प से पेड़े के का शेप दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे पेड़े का शेप दे दिया है। थोड़ा सा सूखा मैदा लगा करके हम इसको बेलेंगे। तो इस तरह से पहले आप इसे हाथों से फैला लें, और इसके बाद आप ले लें चकला, और इस पर इसे हम बेल लेंगे। तो हमें यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखना है, जिससे कि आप रोटियाँ चपाती बनाते हैं उसी साइज़ का हमें इसे बेल लेना है। इसके बाद हम इसका शेप देंगे। तो आप देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको नाश्ते का लुत्फ़ उठाना है तो लगे रहिए हमारे साथ और एंड तक देखते रहिए। और इसे हमने रोटी के शेप में बेल लिया है। अब हम ले लेंगे एक नाइफ, और उसके सहायता से हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। आप देखते रहिए स्क्रीन पर। तो इस तरह से आपको काट लेना है पहले। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने वीडियो को थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट नहीं किया है, स्टेप बाय स्टेप दिखाया है जिससे कि आपको सीखने में आसानी हो। तो ये आप आसानी से सीख जाएंगे और बहुत ही अमेजिंग नाश्ता बनता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं तो ट्राई करके आप लोग के साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो इस तरह से हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसका शेप देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इसे काट लिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने स्टफिंग बना के रखा था वो हम ले लेंगे और इसके एक साइड में हम रख देंगे और इसके बाद हम इसके साइड में थोड़ा सा पानी लगा देंगे जिससे कि चिपकने में आसानी हो, कि ऑयल में जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो इस तरह से आप देख लीजिए, इसके बाद हम इसे पलट के ऐसे इसको बंद कर देंगे। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से लॉक करें जिससे कि ऑयल में डालने के बाद ये खुले नहीं और अच्छे से फ्राई हो। तो इसके बाद हमने इसे बंद कर दिया है, इसके बाद हम इसकी जो कटिंग करके हमने रखा था हम इसे डिजाइन दे देंगे इसका, तो हम बहुत ही प्यारा सा लुक इसे देने वाले हैं। तो इस तरह से देख लीजिए और ये नाश्ता काफ़ी लुकिंग और टेस्टी तैयार होने वाला है, तो आप ज़रूर ट्राई करें एक बार इसे। तो इस तरह से हमने सारी जो कटिंग करके रखी थी उसको हमने इस तरह से इसका डिज़ाइन दे दिया है और ये आप देख सकते हैं कितना यूनिक और लुक वाला हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमने जितना नाश्ता बनाना था उतना हमने बना नहीं लिया है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, तो इसे रख देते हैं साइड में। यहाँ पर हम गैस ऑन करके चढ़ा देंगे कढ़ाई। कढ़ाई हमारा जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम एक एक करके नाश्ते को कढ़ाई में डाल देंगे। तो आप एक साथ जितना तलना चाहें, दो तीन जितनी आपकी कढ़ाई में आ पाए उतना आप डाल के इसे फ्राई कर लें। तो गैस की जो लो है इसको मीडियम रखें, धीमी आँच पर इसे आप पलट पलट के अच्छे से चलाते हुए सेक लें। तो फ्रेंड्स इसे चलाते रहें जिससे ये काफ़ी क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाए। अच्छे से इसे सेकना है, तो इस तरह से आप चलाते हुए सेकेंगे तो ये सारे साइड से अच्छे से सेक के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है, हम एक एक करके कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो आप सारे ऑयल को एक्सेस करके निकाल लीजिए पहले नाश्ते को। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को निकाल लिया है, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारा नाश्ता हमारा प्लेट में आ चुका है, अब इसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए चटनी। तो आप लाल चटनी, हरी चटनी जो पसंद हो उसके साथ आप इसका आनंद लें। तो इस तरह से आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं। अगर आप चाहें तो इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 से 2 दिन के लिए रख भी सकते हैं, ये ऐसे ही कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा। तो फ्रेंड्स आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, नमस्कार।